दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवी मुंबई के MIDC इलाके में आजकल विकास की आड़ में 2829 पेड़ों को काटने की तैयारी है। हालांकि इसे बचाने के लिए पर्यावरण सेवाभावी संस्था ने आज छात्रों को लेकर अनूठा आंदोलन शुरू कर दिया। स्कूली बच्चों ने आज MIDC के रीजनल अधिकारी सतीश पागल से गुहार लगाते हुए पेड़ों को नहीं काटने और पर्यावरण बचाने की अपील की। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई महानगर पालिका और MIDC क्षेत्र में विकास के नाम पर हजारों पेड़ों के काटने का मामला गर्मा गया है। BJP और NCP जहां राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इसके खिलाफ पर्यावरण सेवाभावी संस्था अनूठा आंदोलन कर रही है। आज संस्था पदाधिकारियों ने स्कूली बच्चों को लेकर MIDC कार्यालय में उच्च अधिकारियों का घेराव किया। बच्चों ने यहाँ अंकल अंकल पेड़ न काटो की मासूम गुहार लगाते हुए पेड़ और पर्यावरण बचाने की अपील की। MIDC चे काम काय झाडे तोडू नका, झाडे आम्हाला फळे देतात, ऑक्सिजन देतात आणि फुले देतात। पर्यावरण सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष बालासाहेब शिंदे और युवा नेता संकेत डोके समेत कई पदाधिकारियों ने यहाँ छात्रों के जरिए MIDC अधिकारी को निवेदन दिया और पेड़ और पर्यावरण बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेड़ों को काटे बिना भी MIDC क्षेत्र में विकास हो सकता है, फिर भी ठेकेदार और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य और पर्यावरण के लिए इन पेड़ों की कटाई रोकना जरूरी है। गेल्या अनेक दिवसापासून MIDC प्राधिकरणाने 2829 झाड तोडण्याचा जो घाट घातलेला आहे त्याच्या विरोधात पर्यावरण सेवाभावी संस्था आणि त्याचबरोबर आमच्या इतरही पर्यावरण प्रेमी जे आहेत यांनी अनेक वेळा पाठपुरावा केला, आम्ही निवेदनं दिलेले आहेत, परंतु प्रशासनाला कुठल्या प्रकारची जाग येत नसल्यामुळे विशेष आज या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की महत्त्वाचा विषय असा आहे की नवी मुंबईतील सुज्ञ नागरिक आणि त्यांची लहान मुलं ह्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि आज या ठिकाणी लहान मुलांनी पुढाकार घेऊन MIDC अधिकाऱ्यांना झाडे तोडू नका म्हणून त्यांना आणि आदित्य ठाकरेंना निवेदन दिलेलं आहे। त्याचबरोबर लाकूड तोड्या पुरस्कार हा लहान मुलांनीच अधिकाऱ्यांना इथे स्पर्श केलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।